एक फलसफा है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। पूछे कि हम जब भी मर्द औरतों से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती हैं कुछ नहीं। इस कुछ नहीं का आप एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, औरतों की एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि कहे बिना मर्द समझ जाए। अब वो कैसे समझ, क्यों समझ जाए? एग्जैक्टली, जादूगर है मर्द। म्यूजिक ऐसा लगता है कि जैसे औरत मासूम है और वो प्यार की भूखी होती है। जी निंदा, कुछ नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो इतनी बुराइयां कर रहे हो हमारे बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। औरत को बोलना चाहिए अपने हक के लिए, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोलती ना, तो वो चाहती है कि उसको पैम्पर्ड तरीके से बुलवाया जाए। ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? मैं अनम से ब्रेक से पहले कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन ब्रेक के बाद पूछूंगी। मुझे कुछ पूछना है। ओ कुछ नहीं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? Once more, once more, once more। काफिया जी जो दिल से कहती है ना, वो वाकई कुछ अनोखा ही होता है। बिजनेस के लिए ज्यादा दिल ना लगाए रामी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो बंदर पे भी आ जाता, लेकिन नहीं। नानी, ओमाए वा मो सिंदे इरु। वैसे गधी पे भी आ जाता है। मस्त जोक मारा, यह हंस रहे अलकट हंस। क्योंकि मर्दों को बहुत शौक होता है। मेरे अब्बा खुद पूरा पूरा दिन रेसलिंग देखते रहते थे। अब्बा रेसलिंग देखते थे? हाँ, लड़कियों की। नो, लड़कों की, क्योंकि मुझे वहाँ से अंडरटेकर जॉन सीना, मुझे भी वहीं से पता है जॉन सीना। अच्छा, जॉन सीना का अगर आपने अनाउंसमेंट सुना हो ना, उसका जो सॉन्ग स्टार्ट होता है, अच्छा था। अगर आप गौर से सुने ना, स्टार्ट होता है क्या बात है, यही नहीं अभी और सुनिए। अच्छा, इसी बात पे अर्ज किया है। इर्शाद, एक बहुत रिसेंट इवेंट हुआ है, उस पे मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अर्ज किया है, वो जो कहते थे अपने आप को आईपीएल के शेर, वो जो कहते थे अपने आप को आईपीएल के शेर, हाय हाय बेचारे हो गए वर्ल्ड कप से ढेर। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। जी क्या सुनाएंगे आप? मैं अभी एक रैप लिखा हुआ है, मैंने खुद ही लिखा था, बूम बैप बीट पे लिखा हुआ है, तो गैंगस्टर टाइप है थोड़ा, वो सुना। इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, इसमें हमें खुशी कम है, उधर दुख ज्यादा है, तो इस बात पे सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे एक शेर अर्ज किया है, अफगानी टीम खरीदो या गंदी पिच बनाओ। बाबा कौन करेगा? वाह, अफगानी टीम खरीदो या गंदी पिच बनाओ। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। यूनुस के पास गर्मा गर्म स्टोरी है। स्टोरी नहीं है, बहुत एक्साइटेड है। वेल, मैं शो के स्टार्ट में कहूँ, यूनुस आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू, आप सब बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह से। दिल से कह रहे हैं? नहीं, और मेरी एक आदत है, मैं जब भी 1000 का या कोई भी 5000 का नोट खुला करवाती हूँ, तो मैं उसमें से 700 हमेशा देती हूँ। मुझे नहीं पता है मेरा एक्सपीरियंस क्या है। क्या बोला तूने? 700 हमेशा देती हूँ। किसको दे? ये समझ नहीं आया। 5000 में से 700, 1000 में से भी 700। मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, जब 5000 का खुलता है तो मैं 700 देती हूँ, जब मेरा दूसरा, मैंने क्या बोला था, 300 देती हूँ। ये फंस गया सी है, ये कैसे मैच आउट है। 2000 पे होगा 600 रुपए और 3000 पे होगा 900, 4000 पे 1200, 5000 पे 1500 देने चाहिए। वो तमाम तरह के वो हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हैं, मुझ पे तो नहीं अच्छी लगती। नहीं, आप भी अच्छी लग रही हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने इसीलिए कहा था ताकि मेरी कोई तारीफ करे। हाँ, इन्होंने मुझे पीछे मेकअप रूम में कहा था। औरतें शुरू हो गई एक दूसरे की तारीफ करना। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, आप इतने सारे सिक्के जो लगा के घूम रहे हैं, तभी जाते हुए सबका फैरात करते जाएंगे। आप ले लेगा मुझसे शो के बाद।
Sanchez. हम बात कर रहे थे कश्मीर पे, उसी से रिलेटेड मैं एक बात करना चाहता हूँ कि वो एक इंडियन फिल्म का डायलॉग है, बहुत बोलते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। तो उनके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ, दूध मांगोगे तो हम पनीर कर देंगे, कश्मीर मांगोगे अभिनंदन वाला सीन कर देंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, घूर की बात हो रही है, मुंह धोके आ जाए सर, अब पता चलेगा कौन घूर है कौन लंगूर है। क्वेश्चन टाइम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब औरतें बोलती हैं अपने शौहर को, अपने पार्टनर को कि मुझे टाइम चाहिए, व्हाट डज दैट मीन, एक्सप्लेन करेंगे आप? पूरे दिन उससे ना मिले, पूरे दिन उससे बात ना करें। जॉब पर होता है ना हस्बैंड, ये कहता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, तुम्हारी ही जिंदगी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, कुछ ना करें। लेकिन जब अगर आप बाहर से घर आते हैं ना, वो 15 मिनट भी अगर आप सिर्फ तवज्जो से अपनी बीवी की बात सुनेंगे ना, तो औरत कहेगी कि मुझे टाइम की जरूरत है। ये बताएं कि जो 15 मिनट का आपने फॉर्मूला बताया, ये स्टैटिक फॉर्मूला है या ये इट वेरीज फ्रॉम वुमन टू वुमन? इट वेरी फ्रॉम वुमन टू वुमन, सब पे लागू नहीं होता है। ओह गॉड, फंस गए मैं। मर्द बेचारा बाहर दोस्तों के पास जाए तो आवारा, माँ के पास जाए तो माँ का लाडला, नहीं बीवी के पास जाए तो वो जोरू का गुलाम। ऐसा मर्द क्या कर, ऐसा आप सोच रहे हैं? टाइम दे, काम करे या टाइम देता फिरे? मर्द लॉजिकल है और औरत भी लॉजिकल, मैंने कुछ नहीं कहा। यही मर्द औरत से प्यार करता है जब वो छोटा तो होता है अपनी माँ से, बड़ा होता है अपनी बहन से, फिर बड़ा होता है गर्लफ्रेंड से, फिर वाइफ से, फिर औरत। तो औरत भी करती है पहले बाप से, फिर चाचा से, फिर भाई से, फिर बेटे से। कम ऐसे लोग होते हैं जिन पर हेयर स्टाइल जो है वो तमाम तरह के वो हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हैं। मुझ पे तो नहीं अच्छी लगते। नहीं, आप भी अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। ये मैंने इसीलिए कहा था ताकि मेरी कोई तारीफ करे। हाँ, इन्होंने मुझे पीछे मेकअप रूम में कहा था। औरतें शुरू हो गई एक दूसरे की तारीफ करना। आपके लिए भी कॉम्प्लीमेंट है, आप इतने सारे सिक्के जो लगा के घूम रहे हैं जैकेट पे, कभी जाते हुए सत्ता फैलाद करके जाएंगे। आप ले लेगा मुझसे शो के बाद।